इस्लामाबाद सदर ममलिकत आरिफ एलवी ने आर्टिकल 75 के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवाया और कहा बिल कानूनी तौर पर मसनूई नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक सदर आरिफ एलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। सदर ने आर्टिकल 75 के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। आरिफ एलवी ने कहा कि बादल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल दुरुस्तगी से मुतलिक जांच पड़ताल के लिए दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर ममलिकत का कहना था कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपीली एडवाइजरी रिव्यू इब्तदाई इख्तियार समेत से समाज से नवाजता है। बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समाज से मुतल्लिक है। बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समाज इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। आरिफ एलवी ने सवाल किया इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है। आइनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी असूलों आला कानून और दिगर कवानीन से बालतर कानून का मुजस्मा है।